सो हेलो एंड वेलकम टू गाइस। तो आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड व्हाट आर द लिगेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड और वो कितने टाइप्स के बाइंड होते हैं, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। आज हम पढ़ने वाले नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं नॉमेनक्लेचर, जब सबसे पहले वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात किया था, तो उस टाइम से कोई भी ऐसे नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, या फिर हम ऐसे कोई भी सिस्टम यूज नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद एक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो आया, आईयूपीएससी जो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने इस सिस्टम ने क्या किया कि सारे कंपाउंड, जो भी केमिकल कंपाउंड होंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उसका एक नाम रहेगा, यानी कि दैट नेम विल बी एप्लीकेबल फॉर इंटरनेशनली। तो उस सिस्टम को बोलते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो देखते हैं आगे चल आगे की उस सिस्टम को जब फॉलो करते हैं तो ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिससे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी जो कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें एक तो होता है मेटल आयन, ठीक है, और दूसरा यानी कि एक होता है केटायन पार्ट, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और एक होता है एनायन पार्ट, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल है कोबाल्ट अमीन, यानी कि पांच यहाँ पे अमीन लिगेंड है क्लोरीन, और ये बाहर में आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है वो है हमारा डाइक्लोरो, ठीक है, क्लोराइड। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल हम देख लेते हैं। ये देखिए, जो भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करते हैं उसमें आपको, मैं भी बोला कि एक मेटल दिख सकता है कैटायन के फॉर्म में, ठीक है, और एक लिगेंड यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, ठीक है, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये देखो इसे क्या नाम है, साइनाइड, यानी कि इसको बोलते हैं हेक्सा साइनो, सिक्स साइनाइड यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है, और मेटल यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये हम देखेंगे आगे कि कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेटिनम डाई, आई मीन डाई फ्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, यहाँ पे लिगेंड क्या है, अमोनिया लिगेंड है, ठीक है, अमोनिया हमको पता है, अभी मैं आगे अब आगे और को बताऊंगा कि कोई लिगेंड को कैसे नॉमेनक्लेचर में रखते हैं, ठीक है। फिर तीसरा एग्जांपल है हमारे पास टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो ये हमारा क्लोराइड क्या है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये एनायन पार्ट है, ठीक है, और इतना जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर है, ठीक है, वो हमारे केटायन पार्ट है। इस तरीके से हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू पुट एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चौथा लिगेंड दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, यहाँ पे दिया है कोबाल्ट पेंटामिन डाइक्लोरो, ठीक है, पेंटामिन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये क्लोराइड अपना अपना क्या एन आयन पार्ट है, जो मैं बताया आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ठीक है, द एन आयन विच इज आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट इज कॉल्ड एन आयन। फिर द नेक्स्ट वन है टेट्रा क्लोरो ऑक्सो मोलिब्डेट फोर्थ, यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन क्या है, लिगेंड के फॉर्म है, तो ये देखिए ये लिगेंड है, और ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो, सॉरी मोलिब्डेनम जो है वो मेटल है, तो ये सोडियम, ये क्या है, कैटायनिक पार्ट है, ठीक है। तो जो भी होता है यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो मेटल है वो हमारे कैटायनिक पार्ट है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो एनायनिक पार्ट है यानी कि बाहर जैसे कि क्लोरीन, ये हमारे एनायनिक पार्ट है। अब सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू पुट द नेम ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एज विथ एनी आयनिक कंपाउंड द केटायन इज नेम्ड बिफोर द एनायन। सबसे पहले हमको एक बात याद रखना है, केटायन को पहले लिखना है, ठीक है, केटायन यानी कि जब भी हम केटायन की बात करेंगे जो प्लस आयन वाले हैं उसको हमको पहले लिखना है, ठीक है। फिर इन नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन द लिगेंड आर नेम्ड बिफोर द मेटल आयन। अब दूसरा ट्रेजेडी इसमें क्या है, कोई भी लिगेंड, ठीक है, मेटल के पहले लिखाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास साइनाइड लिगेंड है और पोटेशियम है, तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, लिगेंड के नाम के नाम को लिखूंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लीजिए, अब ये कोबाल्ट मेटल है और ये अमीन लिगेंड है, तो हमने सबसे पहले किसको लिखे हैं, पेंटा अमीन, देखो पेंटा अमीन, उसके बाद क्लोरो, ये जो लिगेंड है, अभी लिगेंड में 6 लिगेंड है, तो ये 5 ये हो गया 5+1, तो जब तक आपके लिगेंड कंप्लीट नहीं होगा आप मेटल के लिए नहीं जाओगे,
सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज वॉट इन नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन द लिगेंड आर नेम्ड बिफोर द मेटल आयन। सो आपको लिगेंड को पहले लिखना है मेटल से, ये आपने जान लिया ठीक है। नाउ द सेकेंड, इन नेमिंग लिगेंड एन ओ इज एडेड टू द रूट नेम ऑफ एनायन। अगर वो एनायन लिगेंड जैसे कि मान ले जाए साइनाइड ठीक है, साइनाइड है या क्लोराइड है ठीक है, या क्लोराइड है जो भी है, क्लोरीन है ठीक है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है जो भी लिगेंड है, फ्लोरीन है, तो उसके नाम के लास्ट में यानी कि उसके सफिक्स के तौर पे उसके नाम में ओ आखिरी में लगेगा, ओ ठीक है, ये याद रखना। जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, साइनाइड है तो साइनो एंड सो ऑन। फॉर न्यूट्रल लिगेंड अगर वो लिगेंड न्यूट्रल है तो उसके नाम को एज इट इज रखना है, जैसे कि H2O है तो एक्वा, NH3 है तो एमिन ठीक है, कार्बोनिल है CO तो कार्बोनिल एज इट इज, नाइट्रोसिल है NO तो नाइट्रोसिल, जो भी इसके नाम है अगर इफ द लिगेंड इज न्यूट्रल तो आपको कोई भी चीज एड नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज उसके मॉलिक्यूल के नाम में रखना है ठीक है। अब आता है कुछ प्रीफिक्स, अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड एक से ज्यादा है, मान लीजिए 1 2 3 या 4, कभी कभी 5 लिगेंड या 6 लिगेंड, तो उसके सामने कुछ प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक साइनाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोनोसाइनो लिखूँ या नहीं लिखूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर यहाँ पे 2 है या 3 है या 4 है या 5 है तो इसके नंबर के आगे 2 के लिए डाई लगाना पड़ेगा, 3 के लिए ट्राई लगाना पड़ेगा या 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे ठीक है, 5 के लिए पेंटा लगाएंगे, ऐसे इसके कुछ प्रीफिक्स लगाना पड़ता है नंबर ऑफ लिगेंड ठीक है। उसके बाद कुछ उसके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे मेटल्स के, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, एज यू नो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लॉस किया है या उन्होंने देखिए बॉन्ड बनाया है मेटल, तो उसको रोमन न्यूमरल में लिखना है, रोमन रोमन जैसे कि व्हाट, ये देखो ये रोमन नंबर ठीक है, ऐसे रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करना है, ये हो गया लास्ट। फिर आता है अगर ठीक है, अगर मान लीजिए व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली, प्रीफिक्स डू नॉट अफेक्ट द ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा एक टाइप के लिगेंड है ठीक है तो उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन हैज अ नेगेटिव चार्ज द सफिक्स 8 इज एडेड। अब मान लीजिए पूरे कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज है ठीक है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज है, तो उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होंगे या उस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम के लास्ट में सफिक्स के तौर पे 8 लगाएंगे, 8 ठीक है। अब आगे देखेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने अभी लिया था क्या, K3 Fe CN6, ये एक लिगेंड है ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैं क्या बोला हूँ ये मेटल है लेकिन केटायन को पहले लिखना है, तो इसमें केटायन क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम। अब ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पीयर है तो इसमें लिगेंड कितने अच्छा है, तो हेक्सा साइनो ठीक है। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इस पूरे कंपाउंड में ये K3 यानी कि प्लस 3 प्लस है तो यहाँ पे -3 आएगा चार्ज, तो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या चार्ज आएगा, माइनस। अभी हमने बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज यू आ गया तो क्या हो जाएगा, फेरेट ठीक है, हिट। इस तरीके से हम रूल के अकॉर्डिंग नामांकित कर सकते हैं। फिर जो कुछ कॉमन लिगेंड्स है जिसमें जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, अगर एनायनिक लिगेंड है तो ये ब्रोमाइड ठीक है, कार्बोनेट क्लोराइड साइनाइड फ्लोराइड ग्लाइसिनेट हाइड्रोक्साइड, ये मैंने पिछली वीडियो में सारे लिगेंड्स के मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड बता चुका हूँ, तो ये ऑक्सलेट या थायोसाइनेट, इस तरीके के जो लिगेंड है, अगर वो अब एनायनिक लिगेंड है तो मैं क्या बोला हूँ, आपके जो लास्ट है यानी कि नॉम के लास्ट में वो एज अ सफिक्स लगेगा, देखिए सब में वो लगे है, ग्लाइसिनेटो हाइड्रोक्सो ऑक्सलेटो थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो ठीक है, ये लिगेंड का जो नाम है। अब अगर न्यूट्रल लिगेंड है
ठीक है, ये न्यूट्रल जो लिगेंड है, अमोनिया है या वाटर है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, इथिलीन डायमीन है, तो इसमें आपको एज इट इज नाम लिखना है, एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, इथिलीन डायमीन, ठीक है। इस तरीके से आपको न्यूट्रल लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करना। अब कुछ और नेक्स्ट लिगेंड देखते हैं, जैसे कि एजाइड है, ठीक है। एजाइड लिगेंड यानी कि N3 माइनस को कौन सा लिगेंड बोलते हैं? सॉरी, N3 माइनस जो है हमारा एजाइड लिगेंड है, यानी कि एजाइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, सॉरी क्लोरो, साइनाइड, साइनो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो कार्बोनेटो, फिर ऑक्सीलेटो। देखो अगर ये O2 माइनस, तो इसको लिगेंड को बोलते हैं ऑक्सो, ठीक है। फिर ये एमीन, कुछ कार्बन, कार्बोनिल, इथिलीन डायमीन, पिरिडीन, एक्वा, ठीक है। वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वा। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से लिगेंड के नाम को क्या बोलते हैं। चलो न्यूट्रल है तो एज इट इज लिखना है, एंड सपोज द लिगेंड इज एनायनिक, सो यू हैव टू एड ओ एज अ सफिक्स इन द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। हाँ, अब अगर मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर लिगेंड के नाम में ही, जैसे मैं अभी आपको बताया इथिलीन डायमिन, ठीक है, इथिलीन डायमिन EN जिसको हम बोलते हैं, अब इसके नाम में ही क्या है, कुछ ऐसे प्रिफिक्स जुड़ गए हैं, ठीक है, जो ये बताता है कि उसमें पर्टिकुलर लिगेंड कितने हैं। जैसे कि मैं अभी लिखा एथिलीन डाई अमीन, एथिलीन डाई अमीन। अब अगर इसके नाम पे ही पहले से ही ये डाई ट्राई एड हो गया है, अब इसका नंबर आप अगर मान लीजिए एथिलीन डायमिन 2 हो गया, तो ऐसा नहीं लिखना है कि डाई एथिलीन डाई अमीन, नहीं, इसको एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 20, ठीक। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो 20, 30। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले ली, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोबाल्ट, इथिलीन डाई अमीन 3 है मेरे पास, ठीक है, और एक क्लोरीन। अब इसका नामक्लेचर कैसे करेंगे? इसका नामक्लेचर करेंगे कितने लिगेंड है यहाँ पे? 3, तो 3 के लिए क्या बोला हमें? 30, ट्रेस। उसके बाद इसका नाम क्या है? एथिलीन डायमीन, एथिलीन डाई मीन, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख देना है, कोबाल्ट और क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया? एथिलीन डाई अमीन, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम, जो कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3, ठीक है। ये इतना समझ आया? सो आपको डाई ट्राई या पेंटा हेक्सा कब यूज करना है? जब उसके नाम पे अगर कुछ ऐसा प्रिफिक्स नहीं है या पहले से ऐसा कुछ नाम में नहीं है। फिर ये हो गया नया एक एग्जाम्पल है, K3Fe2O4 3, ठीक है। ये इसका नाम के लिए क्या होगा? अब देखो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोलूँ, केटायन को रखना है, तो यहाँ पोटेशियम क्या है? केटायन। देखो पोटेशियम इन्होंने पहले रखा, ठीक है, पोटेशियम इन्होंने पहले रखा। उसके बाद लिगेंड को रखना है, तो कितने C2O4 क्या है? ऑक्सीलेट लिगेंड है, तो कितने हैं? तो ट्राई ऑक्सीलेटो। अब ऑक्सीलेटो क्यों? क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है, एंड मैं पहले ही बताया हूँ कि जो एनायनिक लिगेंड यानी कि जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उसके नाम पे ओ लगेगा लास्ट में, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम देखेंगे तो बाहर में प्लस है, यानी कि इसमें माइनस आएगा, तो पूरे कंपाउंड में माइनस चार्ज आ रहा है, तो आयरन में क्या होगा? I8 लगेगा, फेरेट, ठीक है। ये देखो FeRR8, फेरेट। फिर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके बाद ट्राईहाइड्रेट, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड, ये एक कंपाउंड देखते हैं, Fe CN6 3 माइनस, ये कंपाउंड है। अब इसका नाम देखते हैं, कैसे लिखेंगे इसका? लिखेंगे कितने? अब देखो यहाँ पे कैटायन पार्ट तो है नहीं, ये जो कैटायन पार्ट है वो 0 है, यानी कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास दूसरा नाम आ जाएगा साइन लिगेंड, तो लिगेंड कितने हैं? हेक्सा
और ये साइनाइड है तो ये नाइनिंग लिगेंड है, तो हेक्सा साइनो। अभी अगर ये कुछ भी नहीं रहता यहाँ, ठीक है, जीरो रहता तो हम इसको आयरन लिखते, ठीक है, आयरन। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, चार्ज है, 3 माइनस चार्ज है, तो ये आयरन क्या हो जाएगा, फेरेट, FERT, फेरेट, तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया हेक्सा साइनो फेरेट एनायन। ठीक, अब कुछ मेटल है, ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आयरन है तो फेरेट लिख दिए, तो ऐसे और कौन कौन से मेटल है जिसके नॉमेनक्लेचर हम एनायन फॉर्म में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके मेटल एल्यूमिनियम हो गए, ठीक है, सपोज देर इज एल्यूमिनियम इन योर कोऑर्डिनेशन स्पीयर एंड द टोटल कोऑर्डिनेशन स्पीयर का जो चार्ज है वो माइनस है, तो एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्टेट, क्यूप्रेट, या गोल्ड है तो गोल्डेड नहीं करना है, ऑरेट, ठीक है, इसके लैटिन नाम जो है वो यूज करना है, ऑरेट। सपोज आयरन है तो अभी बताया मैं, अरे फेरेट। मैग्नीज है तो मैग्नेटेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है, ये मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात अंदर है उस मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर है, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, आयरन है, इसको नहीं करना है, इसको फेरेट नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा और उस पर माइनस चार्ज रहेगा तब इसको करना है, ठीक है। फिर आता है निकिल, सो निकिल है तो निकिलेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, जिंक जिंकेट, इस तरीके से हमको 8 सफिक्स लगा के हम अपने नाम को, उसके नाम को लिखेंगे। फिर सपोज कॉपर है, ठीक है, और पूरे कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, पूरे कंपाउंड में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यूपरेट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, क्यूप्रम लिखना है, क्यूप्रम, ये देखो। गोल्ड है तो ऑरम, आयरन है तो फेरम, लेड है तो प्लम्बम, इफ सिल्वर इज देयर देन अर्जेंटम, टीन इज देयर तो स्टेनम, समझ आ रहे है? दूसरा चीज, अगर इसी कॉपर में कंपाउंड में निगेटिव चार्ज है तब तो लिखना है क्यूप्रेट या ऑरेट, फेरेट, प्लम्बेट या अर्जेंटेट या स्टेनेट। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम नाम को आईयूपीएसी नामकरण में पुट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो हेक्सा साइनो फेरेट जो मैं बताया, ठीक है, ये फेरम आयन है और ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, फिर यहाँ हेक्सा अमीन कोबाल्ट, तो ये कोबाल्टम होगा जो प्लस रहेगा, तो ये वही रूल है जो मैंने अभी आपको बताया। दिस आर द बेसिक रूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट एनी कंपाउंड्स नेम, ठीक है, ग्रेजुअली वी विल प्रैक्टिस, सो दिस आर द सम एग्जाम्पल, कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए निकिल, हमारे पास यहाँ पे जो केटायन पार्ट है वो मिसिंग है, ठीक है, लेकिन एनायन पार्ट है, एनायन पार्ट है, तो सबसे पहले केटायन पार्ट को लिखना होता है, लेकिन केटायन पार्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिगेंड में जाएंगे, कितने लिगेंड है, 6, 6 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है, तो ये भी आप जान लो, 1 के लिए मोनो, ठीक है, अगर आपके पास 1 लिगेंड है तो मोनो, 2 लिगेंड है तो डाई, 3 लिगेंड है तो ट्राई, 4 लिगेंड है तो टेट्रा, 5 लिगेंड है तो पेंटा, और 6 लिगेंड है तो हेक्सा, 7 लिगेंड है तो हेप्टा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभी कितने लिगेंड है, हमारे पास इसमें लिगेंड है 6 लिगेंड, तो हेक्सा ये होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट है कौन सा लिगेंड है, एमीन लिगेंड है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमीन, ये देखो हेक्सा अमीन, और बीच में कोई स्पेस नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है। उसके बाद निकिल, ठीक है, 2 ब्रोमाइड, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूँ मैं, तुमको पता है कि निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर हमको नहीं पता, तो हम उसके लिए क्या ले लेंगे, उसके लिए हम ले लेंगे एक्स। फिर आता है अमोनिया, यानी कि हमारे तो न्यूट्रल है, एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, लेकिन वो कितने नंबर में है, ये हो जाएगा 6, 2, हाँ
उसके बाद सॉरी ये देखते हैं इसको। इसमें देखते हैं इक्वा साइनो 20 एथिन। हाँ देखो इसमें कित कौन सा लिगेंड है पहले, एथिलीन डायमिन और तीन लिगेंड देखो, साइनाइड वाटर और एथिलीन डायमिन। ठीक है, तो अगर तीन लिगेंड एक साथ हैं ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, इक्वा साइनो, इसमें ए आता है, इसमें सी आता है और इसमें ई आता है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, वाटर, फिर हो जाएगा इक्वा, फिर साइनो, क्योंकि ए के बाद क्या आता है सी, फिर ई, इक्वा साइनो और कितने 20 एथिलीन डायमिन, कितने दो है तो 20 एथिलीन डायमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपके नामांकलेचर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सोडियम मॉलिब्डेट है Na2MO, सॉरी सोडियम टेट्रा ऑक्सीक्लोरो मॉलिब्डेट। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे जो भी था वो एनायन पार्ट केटायन पार्ट मिसिंग था। ठीक है, तो इसमें हमको ये पता नहीं चल रहा था कि कौन से कितना ऑक्सीडेशन इसमें है। फिर नेक्स्ट है सोडियम Na2MO क्लोराइड, ये क्या है केटायन है, ये एनायन पार्ट, तो केटायन को पहले लिखना है। देखो सोडियम टेट्रा क्लोरो, कितने क्लोरीन है टेट्रा क्लोरो, फिर ऑक्सो ठीक है O2 माइनस ऑक्सो, टेट्रा क्लोरो ऑक्सो, मॉलिब्डेट फोर्थ। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के नॉमिनक्लेचर को और उसके ऑक्सीजन स्टेट को निकाल सकते। सो हियर आर द सम एग्जांपल दैट यू कैन प्रैक्टिस, इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। फिर एक प्रकार से इसमें हमको अगर एग्जाम्पल में एग्जाम में IUPAC ठीक है सॉरी कोई फार्मूला दिया है, ठीक है कोई फार्मूला दिया है तो हम उसे नाम डिराइव कर सकते हैं, और अगर कोई नेम दिया है तो उससे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि वो किस कौन से फार्मूला में आएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोला मैं, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो भी हम रोमन नंबर मिलते हैं 1, 3, 2 जो भी है वो हम देखेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।